एक्सेल में अभी तक तो आप ढेर सारे फॉर्मूले सीख चुके होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्सेल के मोस्ट यूजफुल 8 फॉर्मूलों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल के मोस्ट यूजफुल फॉर्मूले जिनको ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास एक शीट है जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, उनके कुछ पेपर हुए हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, फोटोशॉप के। और इस शीट में हम आपको बताने वाले हैं एक्सेल के 8 मोस्ट यूजफुल फॉर्मूले जो कि हमेशा प्रयोग में आते रहते हैं, जिसमें कि सम है, परसेंटेज है, सम इफ है, काउंट है, वी लुकअप है, एवरेज है, इफ है और काउंट इफ है। तो ये जो 8 फॉर्मूले हैं ये हम एक ही शीट में आपको लगाकर दिखाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है सम का। तो सम आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऑटो सम का, इस बटन पर आप क्लिक कीजिए तो ये ऑलरेडी आपके सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेगा जो भी आपके वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली होंगे। लेकिन ऑटो सम में भी आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप मैनुअली सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो टोटल वाला कॉलम है ये हमें इस में नहीं लेना है। यहाँ पर आप मैनुअली सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया सम करने का। अब दूसरा तरीका है, आप बराबर का निशान लगाइए, सम टाइप कीजिए, ब्रैकेट लगाइए और सबसे पहले वाले सेल का नाम लिखिए। तो ये जो सेल है इसका नाम है B5, तो यहाँ पर B5 टाइप कर दीजिए, कॉलन लगाइए और जो लास्ट सेल है उसका नाम टाइप कर दीजिए, तो ये है F5, ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये दो तरीके से सम हो गया। तीसरा तरीका है, आप मैनुअली भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस इक्वल टू का निशान लगाइए और सेल को सेलेक्ट करते जाइए, प्लस दबाइए, फिर सेल को सेलेक्ट कीजिए, फिर प्लस दबाइए। यहाँ पर आप कोई भी सेल बीच से छोड़ सकते हैं। तो मानिए अगर हमको चौथा सेल यहाँ पर छोड़ देना है तो आप उसे छोड़ दीजिए, पांचवें सेलेक्ट कर लीजिए और छठवें को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप एंटर करेंगे तो जो बीच वाला सेल था उसको छोड़ के बाकी सारे सेल्स का सम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एक्सेल में प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो ग्रैंड टोटल है, ग्रैंड टोटल में से हमें जो टोटल नंबर मिले हैं सभी सब्जेक्ट्स में वो यहाँ पर आ गए हैं। तो अब इसका प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए जैसे हम कॉपी पर निकालते हैं वही तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे हम बराबर का निशान। अब जो अंक हमें प्राप्त हुए हैं उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और स्टार बटन से हम लगाएंगे यहाँ पर गुणा का निशान। इसके बाद यहाँ से 100 से इसे गुणा करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्लिक और उसके बाद जो हमारा टोटल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रतिशत निकल के आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका भी है प्रतिशत निकालने का। आप जाएंगे नंबरिंग फॉर्मेट पर और ये जो सेल है इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने ये सेल प्रतिशत में कन्वर्ट कर लिया। आप देखेंगे ऊपर परसेंटेज लिखा हुआ आ गया है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बराबर का निशान लगाना है, जो नंबर है हमारे उनको सेलेक्ट करना है, इसको भाग देना है यानी डिवाइड करना है 600 से। सिंपल इतना करना है, हमें 100 से गुणा नहीं करना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर वाला सेल था वहाँ पे प्रतिशत का आइकन नहीं आया था, लेकिन इस सेल में चूँकि हमने इसे कन्वर्ट कर दिया था परसेंटेज में तो यहाँ पर प्रतिशत का आइकन आ गया है। अब इसको पकड़ के आप नीचे तक खींच दीजिए तो ये सभी एग्जाम्स के जो परसेंटेज हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके बाद है सम इफ। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे मोहित जो नाम है वो दो जगह दिया गया है, और अगर हम चाहते हैं कि इसमें जितनी भी जगह मोहित नाम दिया गया हो उनका सम केवल यहाँ पर आए, ना कि अकेले मोहित का, तो हम सिंपल लगाएंगे बराबर का निशान, टाइप करेंगे सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेंज के लिए उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिनमें नाम लिखे हुए हैं, कॉमा लगाएंगे। अभी पूछेगा हमसे क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए हम मोहित को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर डबल कोट में मोहित का नाम टाइप कर देंगे। उसके बाद डबल कोट बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ही हमें दे रहा है सम रेंज। तो सम रेंज के लिए आप किसी भी एक अगर पेपर को सेलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या फिर टोटल नंबर्स को भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फोटोशॉप के नंबर निकालना चाहते हैं या इंटरनेट के नंबर निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जो टोटल सम है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि मोहित के जो अंक हैं टोटल दोनों मोहित के वो काउंट होके यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप कोई शॉप चलाते हैं और वहाँ पर आप डेली का सेल रजिस्टर तैयार करते हैं, कौन सी चीज़ कितनी सेल हो गई, तो उसके लिए आप सम इफ का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो फार्मूला है वो है काउंट। काउंट फार्मूला क्या करता है, काउंट फार्मूला आपके सिलेक्शन एरिया में से जितने भी नंबर्स टाइप हुए हैं उनको काउंट करके आपको यहाँ पर दिखाता है। तो इसके लिए आप लगाएंगे बराबर निशान, टाइप करेंगे काउंट और ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो सामने वाली सीरीज़ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी हमें आंसर मिला है वो है 6,
लेकिन हमने जो सेल सेलेक्ट किए थे वो सात किए थे। अब यहाँ पर सात क्यों नहीं आया, वो इस वजह से नहीं आया है क्योंकि जो सातवां सेल है वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, नंबर नहीं लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप किसी भी सेल्स में से अगर कोई नंबर हटा देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो काउंट है वो पाँच हो जाएगा। तो ये उन सेल्स को मैं बताता है केवल जिन सेल्स में नंबर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर दोबारा कोई भी नंबर अगर आप लिख देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे काउंटिंग जो है वो बदल जाएगी। इसके बाद फार्मूला आता है वी लुकअप का। तो वी लुकअप फार्मूला क्या करता है, ये वर्टिकली क्राइटेरिया के हिसाब से किसी भी वैल्यू को आपको फाइंड करके देता है। कैसे देता है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर लगाते हैं बराबर का निशान, टाइप करते हैं वी लुकअप। तो यहाँ पर आप देखें वी लुकअप आ जाएगा, इसे डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आप क्या देंगे, आप यहाँ पर डबल कोट में कोई भी एक नाम टाइप कर देंगे। हम जैसे टाइप कर देते हैं राम, और यहाँ दोबारा से डबल कोट लगा देंगे। अब यहाँ इसके बाद टेबल एरे का ऑप्शन है, तो टेबल एरे में ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब ये हमसे पूछेगा इंडेक्स कॉलम नंबर, तो हमें राम के इंटरनेट के अंक पता करने हैं। और जो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा आप पहले से काउंट करेंगे जहाँ से आपने इस टेबल को सेलेक्ट किया है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने अभी डाल रखे हैं, अभी पाँच है, यहाँ पर लिख देंगे पाँच, लगाएंगे कॉमा। और उसके बाद तो वहाँ पर हम टाइप कर देंगे ज़ीरो क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, और ब्रैकेट को बंद करके इसे एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से राम ने इंटरनेट में 32 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये जो फार्मूला है ये असल में कोई विशेष क्राइटेरिया आपको किसी बहुत बड़ी टेबल में से सर्च करना है तो आप वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये जो राम है आपने जो डबल कोट में यहाँ पर लिया है, आप इसे कहीं बाहर भी किसी दूसरे सेल का नाम दे सकते हैं और वहाँ से बार बार इसे चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एवरेज फार्मूले की। अभी हमें अगर निकालना हो कि ये जो सभी विद्यार्थी हैं, सभी स्टूडेंट हैं, उन्होंने जितने भी पेपर्स दिए हैं उसका जो एवरेज है वो क्या है, या शुभम के जितने भी मार्क्स आए हैं सभी पेपर्स में उनका क्या एवरेज है, तो ये एवरेज आपको वहाँ से निकाल के देगा। बहुत सिंपल फार्मूला है लेकिन बहुत काम का है। आपको लगाना है बराबर का निशान, टाइप करना है एवरेज। तो जैसे ही आप ए वी ई टाइप करेंगे यहाँ पर एवरेज आपको दिखाई दे जाएगा, इसको डबल क्लिक कीजिए। तो बस आपको वो सीरीज सेलेक्ट कर देनी है जिनका आपको एवरेज निकालना है। यहाँ पर कुछ पाँच सेल हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं और बस ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे जो शुभम के नंबर हैं उसका जो एवरेज है वो 39.6 है। बस इसको पकड़ के आप नीचे खींच दीजिए और सभी स्टूडेंट्स के जो एवरेज नंबर हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फार्मूला इफ़। इफ फार्मूला क्या करता है, काफ़ी लोग मार्कशीट तैयार करते हैं और वहाँ पर वो परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड तय करते हैं, ग्रेड देते हैं नंबरों को। अगर यहाँ पर आप इफ़ का इस्तेमाल करेंगे तो इफ़ से आप ऑटोमेटिकली ग्रेड दे पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर फीड करने हैं, परसेंटेज भी निकलेगा, टोटल भी निकलेगा, एवरेज भी निकलेगा और आप ग्रेड भी ऑटोमेटिक दे पाएंगे। अभी कैसे आप दे पाएंगे ये अभी हम सीख लेते हैं, बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लगाएंगे बराबर का निशान, टाइप करेंगे इफ़। तो यहाँ पर हम जो सेल सेलेक्ट करेंगे ग्रेड देने के लिए वो सेल हम सेलेक्ट करेंगे प्रतिशत वाला, और उसी के हिसाब से हम ग्रेड देते जाएंगे। तो हम यहाँ पर जो कुल ग्रेड हैं वो चार देंगे, ए बी सी और डी। तो ये हम कैसे देते हैं ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले इस सेल को जिसमें प्रतिशत लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लगाते हैं ग्रेटर देन का निशान, यानी ये जो सेल है अगर बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, 75 के। ये सभी के साथ अप्लाई होगा, एक जैसा ही फॉर्मूला सभी में जाना है। 75 के साथ में आपको प्रतिशत भी लिखना होगा, चूँकि हम 75 से ऊपर वाले सेल्स के लिए टाइप करेंगे। उसके बाद लगाएंगे कॉमा और डबल कोट में हम टाइप करेंगे ए। तो अगर ये सेल बड़ा होगा और बराबर होगा 75% के तो वहाँ पर डिस्प्ले होगा ए। इसके बाद आप एक कॉमा लगाएंगे, टाइप करेंगे इफ़, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई। अब दोबारा से हम फिर से इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसी सेल के लिए दूसरी कंडीशन देनी है। दोबारा से हमने सेल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वही हमने फार्मूला लगाया, बड़ा होगा और बराबर होगा कितने के, 60 के। यहाँ पर भी हम प्रतिशत लगाएंगे और क्या आएगा, बी। तो आप डबल कोट में बी टाइप करेंगे और उसके बाद फिर से कॉमा लगा देंगे। इसके बाद हम दोबारा से टाइप करेंगे इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे और वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर से उसी सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम ग्रेटर देन साइन का इस्तेमाल करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और इस बार हम यहाँ पर देंगे 45%। आप देखेंगे 45 हमने टाइप कर दिया है। अब लगाएंगे फिर से हम कॉमा और इसके बाद हम टाइप करेंगे डबल कोट में सी, कुछ इस तरीके से। फिर से हम एक कॉमा लगाएंगे और अब सिंपल हमें आगे कोई कंडीशन नहीं देनी है। इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन आती है, यानी अगर 45% कहीं भी कम होता है तो क्या आएगा, सिंपल आपको टाइप कर देना है डबल कोट में डी। और जितनी बार आपने इफ़ का इस्तेमाल किया है, जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया है उतनी बार आपको ब्रैकेट
बंद करना है। हमने कुल 3 बार यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया था, तो हम 3 बार ब्रैकेट बंद भी करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस समय जो ग्रेड आया है वो डी आया है, क्योंकि जो प्रतिशत है वो 33 है। तो कितने से कम में 33% आना चाहिए था, 45 से कम पे। तो अब इसको हम पकड़ के नीचे तक खींच देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सभी विद्यार्थी हैं उन सभी को अलग अलग ग्रेड अपने आप प्राप्त हो गए हैं। जिनके 45% से ऊपर हैं उनको सी मिला है, जिनके 45 से कम है उनको डी मिला है। अब थोड़ा सा घटा बढ़ा के देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा नंबर दे के देख लेते हैं। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट है रणवीर, उनका प्रतिशत हमने यहाँ पर 83% किया है, तो उनका जो ग्रेड है वो अपने आप ए आया है। 47% वालों का सी आया है, और जिनके परसेंटेज 60 से ज़्यादा हैं उनका ग्रेड यहाँ पर बी आया है। तो इस तरीके से आप इफ़ का इस्तेमाल करके सभी को ऑटोमेटिक ग्रेड दे सकते हैं। अब बात करते हैं काउंट इफ़ की। तो यहाँ पर आप जो भी कंडीशन देंगे ये उसको काउंट करके बताएगा, जैसे इस पूरी मार्कशीट में 70 नंबर कितने लोगों को मिले हैं। तो यहाँ पर आप बड़े आराम से इस चीज़ को पता कर सकते हैं। आपको लगाना है बराबर का निशान, टाइप करना है काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन करना है, रेंज दे देनी है, तो यहाँ पर हमने पूरी रेंज दे दी, कॉमा लगाना है और क्राइटेरिया टाइप कर देना है। क्राइटेरिया को आप हमेशा डबल कोट में ही टाइप करें, डबल कोट बंद कीजिए, ब्रैकेट बंद करिए और एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे इस पूरी रेंज में कुल 4 लोग ऐसे हैं जिनको 70 नंबर मिले हैं किसी एक विषय में। अब आपको पता करना होगा इस पूरी रेंज में कितनी बार 100 नंबर आया है। तो आपको सिंपल यहाँ पर 70 की जगह 100 टाइप कर देना है पर एंटर कर देना। तो आप देखेंगे कुल 5 विषय ऐसे हैं जिन स्टूडेंट्स को 100 मिले हैं। तो इस तरीके से आप काउंट इफ फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कई जगह कर सकते हैं। हम यहाँ पर नाम का भी पता कर सकते हैं, हमें अगर पता करना है कि मोहित नाम इस लिस्ट में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है, तो सिंपल आप बराबर का निशान लगाएंगे, टाइप करेंगे काउंट इफ और रेंज दे देंगे, तो रेंज आप पूरी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया टाइप करेंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं मोहित, उसको डबल कोट में बंद कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे कुल 2 जगह मोहित नाम लिखा हुआ है। अगर आप एक जगह और भी लिख देंगे तो ये उसको तुरंत ही सर्च कर लेगा। तो इस तरीके से आप इन सभी 8 फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वहाँ पर मिलने वाले हैं ढेर सारे कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स। हम हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।